और सुनाओ ससुरी वालों, किस किस का चांस है फिर सेमीफाइनल खेलने का? मुझे तो लग रहा है एक हमारा, दूसरा बुआमा का है, बाकी बाबर खाम खा उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि वो भी सेमीफाइनल में जाएगा। क्यों, सही बोला ना बुआमा? हाँ रोहित शर्मा, तुम बिल्कुल सही बोलती, तुम अपना मैच जीतती, हम अपना मैच जीतती, सेमीफाइनल में बाबर ससुरी का उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि हम में से कोई टीम हारती तो बाबर जाती, बाकी टीम जीत कर भी नहीं जाती। हाँ बुआमा, हम अपना मैच जीतती, हम जिम्बाब्वे को पेलती, ये बैठा हुआ ससुरी का, तुम नदरलैंड को पेलती, लेकिन नदरलैंड का कप्तान ससुरी का आया ही नहीं है, पता नहीं खेलेगा, हम भाग तो नहीं गया कहीं। हाँ रोहित, तुम आराम से जिम्बाब्वे की टीम को पेलती, जिम्बाब्वे की टीम की क्या औकात तुम्हारी टीम से जीतती, और हम नदरलैंड की टीम को आराम से पेलती, वो ससुरी का, उसका कप्तान इधर ही है, कहीं नहीं गया, कल पता चल जाएगा सुबह 6 तारीख को। अबे चुप करती ससुरी वालों, हमारे को हल्के में मत लेना, हमारी टीम का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर डाले, पाकिस्तान से जीता था ना, उसके बाद नदरलैंड से हार गए, लेकिन अब इंडिया से जीत कर सबको हरान कर डालेंगे। हाँ किरकर वाइन, तुम इंडिया को पेल देती तुम्हारा बहुत बहुत मेहरबानी होता हमारे ऊपर, उससे पहले हमारा मैच होता बाबर से, हम बाबर की टीम को बुरी तरह पेलती, हमारा पॉइंट भी 6 होता, फिर हम आगे जाता, इंडिया को पीछे छोड़ता। और चुप कर शाकिब ससुरी के, इंडिया हार भी जाता ना जिम्बाब्वे से, तुम हमसे जीत कर भी नहीं जाओगे, तुम्हारा रन रेट बहुत कम है, इंडिया का तुमसे बहुत अच्छा है, तो इंडिया जाएगा ससुरी वाले, हमको जीतने देना ठीक है। और बाबर चुप करती ससुरी के, खामखा टेंशन नहीं लेती, हमको सब पता होता हमारा रन रेट कम होता, हम आपको बुरी तरह पेलेंगे, मतलब 300-400 रनों से पेलेंगे, बाद में बैटिंग किया तो 5-6 ओवर में टारगेट पूरा करेंगे, हो जाएगा रन रेट अच्छा। रोहित भैया ये देखो, ये ससुरी की बांग्लादेश वाली भी सेमीफाइनल खेलने का सपना देख रही है, ये ससुरी वालों का लगता है सबका दिमाग खराब है, हमें तो लग रहा था केवल पाकिस्तान वालों का, लेकिन इधर बांग्लादेश का भी खिसक गया है। बुआमा छोड़ो यार, वो केवल एक उम्मीद लगा के बैठे हुए, उम्मीद पर दुनिया कैम है, इसी उम्मीद पर वो अपना मैच खेलेंगे, आखिर में उस दिन 6 तारीख को हमारा मैच होगा, हम जिम्बाब्वे को पेल के सबकी उम्मीदों पर पानी फेर डालेंगे। हाँ रोहित भैया तुम बिल्कुल सही बोलती, तुम शाम को इनकी उम्मीदों पर पानी फेरना, हम तो सुबह सुबह ही फेर डालेंगे, हमारा मैच 5 बजे शुरू होगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ये ससुरी वाले सो के उठेंगे तो इधर हम पेल चुके होंगे नदरलैंड को, फिर चुप कर जाएंगे। और ससुरी वालों, बुआमा रोहित ज्यादा दिमाग मत खराब करो, हमने कब बोला हम सेमीफाइनल में जाएंगे, हम जाएंगे, तुम थोड़ा सा खिसको, उसके बाद बताएंगे, जिम्बाब्वे के कप्तान शर्म कर ले, जीत लेना, हमसे तो जीत गया था ससुरी वाले, बाबर ससुरी के खुद अपना मैच जीतना था, अब हम क्या करें, हम तो कोशिश करेंगे, लेकिन ये इंडिया वाले जबरदस्ती जीत लेंगे हमसे, हमको थोड़ा बहुत लालच दिया भैया, हम तो पैसा ले लेंगे, क्योंकि जीत कर हमें क्या मिलेगा। और ससुरी के पैसे पैसे नहीं लेने, मेहनत से खेलना, ईमानदारी के साथ जीतने की कोशिश करना ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा, हमारा सपोर्ट मिलेगा, हमारी आवाम की दुआएं मिलेगी, 25 करोड़ आवाम आपको दुआएं देगी। अरवाइन के बच्चे, जीत तो वैसे भी नहीं सकोगे हमसे ससुरी वाले, बाबर की बात नहीं मानो, इधर हमारी बात मानो, जानबूझकर हारना, 1 अरब 25 करोड़ आवाम आपको दुआएं देगी, और इधर हम आपको पैसा भी देंगे। बाबर भैया इधर पार्टी जोर है, इधर आवाम भी ज्यादा है, पैसा भी मिल रहा है, और वैसे भी हमारी टीम इतनी ताकतवर नहीं है कि इंडिया को हरा पाओ, आप तो लुल हो गए थे, ये टीम हमको बहुत मारेगी यार। और ससुरी की शर्म करे, हिम्मत नहीं हार, जोर लगाना, जीतने की कोशिश करना, जानबूझ के नहीं हारना ठीक है ना ससुरी वालों, हमको तो लगता है इंडिया वाला गोल मटोल करेगा, तुम हमको बताना सीधी बात, फिर हम देख लेगा ठीक है ना। और रोहित ससुरी के, तुम कल जीत भी लोगे, पाकिस्तान वाला फिर भी नहीं मानेगा तुम्हारी जीत को, ये फिर बोलेगा एरा फेरी किया, तुम वर्ल्ड कप भी जीत के आओगे, सारा दुनिया मानेगा, ये लोग नहीं मानेगा। बुआमा इसकी टेंशन नहीं है, हम हमेशा जीतते रहते हैं, ये ससुरी वाले कभी भी नहीं हमारी जीत को मानते हैं, हर बार कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो कब जीतेंगे। अबे रोहित बस रहने दो, मुंह मत खिलाओ, जब भी जीते हो कभी सीधे तरीके से जीते हो, कोई ना कोई एरा फेरी जरूर करते हो तभी जीतते हो। केवल फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।